नमस्कार दोस्तों, देसी हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मेंटली स्वस्थ रखने के लिए बताऊंगा पढ़ने के कुछ साइकोलॉजी तथ्य, जिसको पढ़कर आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्वस्थ रह सकते हैं। सुनिए, नंबर एक, साइकोलॉजी कहता है कि इंसान की खुशी शुरू के 9 दिन ज़्यादा रहती है, उसके बाद कम हो जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी खुशी क्यों ना हो। अगर इंसान की ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी खुशी क्यों ना हो, वो कम ही हो जाती है 9 दिन के बाद। नंबर दो, साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग झूठ बोलने में माहिर होते हैं, वे दूसरों के झूठ का पता लगाने में भी माहिर होते हैं। तो जो लोग बोलने वाले होते हैं, वो माहिर होते हैं। नंबर तीन, साइकोलॉजी कहता है कि लोगों को खुद की बजाय दूसरों पर खर्च करके अधिक खुशी मिलती है, दूसरों पे खर्च करके अधिक खुशी मिलती है, देख लेना। नंबर चार, साइकोलॉजी कहता है कि पुरुषों और महिलाओं का किसी समस्या को हल करने का तरीका अलग अलग होता है, जहां महिलाएं उसे भावनात्मक दृष्टिकोण से देखती है, वहीं पुरुष इस एक्शन लेने के बारे में सोचता है। नंबर पाँच, साइकोलॉजी कहता है कि जब आप बहुत अधिक थके हुए होते हैं तब आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं। क्रिएटिव आप समझते ही होंगे। नंबर छः, साइकोलॉजी कहता है कि जब आप अपने पास किसी चीज़ की लगातार कल्पना करना आप समझ गए होंगे, तो इस बात की पूरी संभावना है कि अंततः आप उसे खरीद लेंगे। नंबर सात, साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई आपको कोई चीज़ सिखाता है या बताता है, तो उसका धन्यवाद या तारीफ करना, जैसे हमने आपको इस पोस्ट में कुछ नया बताया, आप कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। नंबर आठ, पसिकोलॉजी स्टडी की मदद से आप अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, हो दूसरे लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो, लोगों के मन की बात को समझ सकते हो। अगर आप अपने दिमाग की आईपी लेवल को बढ़ाना चाहते हो, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। आपसे मैं सिर्फ चार चीज़ें चाहता हूँ इस बार, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, एक फॉलो या सब्सक्राइब। वादा है इनमें से आप दो चीज़ें ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।